और सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सियासी सरगमी की। चुनाव के लिए भले ही प्रदेश में करीब 4 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी आ रहे। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री 2,329 करोड़ की लागत से बने यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन किए जाने वाले 9 मेडिकल कॉलेजेस सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में बने हैं। बिल्कुल, तो बेहद अहम दौरा आज होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताएं कि मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद होंगे। जी हाँ, इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे वाराणसी पहुंच जाएंगे। फिर 1:15 बजे वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम काशी को 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे और प्रधानमंत्री मोदी मोहनिया के मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा की बात की जाए तो पीएम की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स, 3 IG और 9 SP के साथ ही 17 additional SP और 40 DSP तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 5 कंपनी PSC की होगी, 4,000 इंस्पेक्टर और महिला पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद होंगे। सिद्धार्थनगर और वाराणसी का दौरा करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम आपको बताएंगे विस्तार से कि मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री का आज, लेकिन बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। और सिद्धार्थनगर में वो 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। ये 9 मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जिलों में बने हैं। 9 अलग अलग जिलों में 9 मेडिकल कॉलेजेस जो बने हैं, इनका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री का टाइम टेबल आज क्या रहने वाला है। 9:40 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद सुबह 9:45 की अगर राजेंद्र बात की जाए तो गोरखपुर से सीएम योगी के साथ सिद्धार्थनगर वो रवाना हो जाएंगे और सुबह 10:20 पर सिद्धार्थनगर हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 BSA ग्राउंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। देखिए आपकी स्क्रीन पर मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ रहा है। सुबह 10:30 से 11:30 प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद 11:35 का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब वो सिद्धार्थनगर हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे और सुबह 11:45 पर गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। फिर दोपहर 12:25 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री गोरखपुर से। दोपहर 1:30 बजे मेहंदीगंज ग्राउंड में उनकी जनसभा है, लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम है। और दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। ये विस्तृत कार्यक्रम मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। पहले सिद्धार्थनगर, उसके बाद वाराणसी और फिर वो दोपहर 3 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट सबसे पहले पहुंचेंगे, वहां से सिद्धार्थनगर जाएंगे, सिद्धार्थनगर से फिर गोरखपुर एयरपोर्ट आएंगे, गोरखपुर एयरपोर्ट से वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में भी जनसभा का कार्यक्रम है, बहुत सारी परियोजनाओं की सौगात देंगे वहां पर प्रधानमंत्री और फिर दोपहर 3 बजे वापसी दिल्ली के लिए। बिल्कुल, और पीएम के दौरे को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज पीएम खुद पहुंच रहे हैं। कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। दोपहर 3 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा, लगभग 9 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा और इसके बाद 3 बजे बताया जा रहा है कि पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। आज पीएम का बेहद अहम दौरा है। सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम, बड़ी सौगात। इसके साथ ही आपको बताएं कि 2,339 करोड़ की ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण भी पीएम करेंगे। यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं पीएम और चुनावी मौसम है, चुनावों के लिहाज से भी देखें तो बेहद अहम है ये दौरा। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज उद्घाटन पीएम करने वाले हैं। बिल्कुल, 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक घटनाक्रम होगा प्रदेश के विकास की दिशा में। तो ये मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। उनके कार्यक्रम से जुड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे संवाददाता नितिश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए।
उनके पास चलते हैं। नीतीशा, पूरा कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी हमने दर्शकों के सामने रखा, पहले सिद्धार्थ नगर जाएंगे फिर वाराणसी आएंगे, तो वाराणसी में जाहिर सी बात है तैयारियां या तो पूरी हो चुकी होंगी या बिल्कुल ही आखिरी चरण में होंगी। नीतीश, राजनीतिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री काशी की जनता को सौगातें देने वाले हैं। आप देखिए कितना भव्य और दिव्य पंडाल यहां पे बनाया गया है और ये पंडाल जो पीछे के समय में जो भी यहां पे पार्टीज और रैलियां हुई हैं उन सब का जवाब होगा, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कहीं ना कहीं यहां पर जो भीड़ आएगी वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ही नहीं बल्कि उनको अपना प्रेम प्रेषित करने के लिए भी आएगी। तो ये देखिए ये कुर्सियां यहां पर लग चुकी हैं राजेंद्र जी, और इसके साथ जैसा कि एबीपी गंगा ने कल भी दिखाया था और आज भी हम दिखा रहे हैं कि मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जब हम कल इस तस्वीर को दिखा रहे थे तो ये मंच थोड़ा अर्धनिर्मित था लेकिन अब ये मंच फूलों से सज चुका है और पूरी तरह से तैयार है, प्रधानमंत्री का अब इंतजार है। आपको बताएं राजेंद्र जी कि यहां से अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा दूसरी ओर की तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए आपको सामने बैनर और पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, पीछे रिंग रोड है, रिंग रोड फेस टू जिसकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं और जब प्रधानमंत्री काशी में होंगे तो उस दौरान काशी उत्साहित होगी, काशी में उत्सव की तैयारी की गई है, जो शहर है शहर का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर भी जो आयोजन यहाँ पर होने हैं वहाँ खुशियाँ मनाई जानी है, ढोल बजेंगे और लोग नाचते गाते हुए नजर आएंगे, तो जो लोग यहाँ होंगे वो प्रधानमंत्री को सुन रहे होंगे और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं वो अपने माध्यम से खुशी का इजहार करेंगे। तो आप देखिए आपको ये पूरे टेंट की जो जहाँ पर जनसभा स्थल है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप देखिए इस टेंट का इस जनसभा स्थल का आकर्षण देखिए, हर ओर आपको प्रधानमंत्री के रंग में रंगा हुआ ये टेंट दिखाई देगा, बल्कि यूँ कहें तो सौगातों के रंग में रंगा हुआ ये टेंट दिखाई देगा, हर ओर बैनर पोस्टर जो लगे हैं वो सौगातों के बैनर पोस्टर लगे हैं और बड़ा सा कटआउट, प्रधानमंत्री का बड़ा सा कटआउट भी आपको ये दिखाई दे रहा है जो आकर्षण का खास तौर पर केंद्र बनने वाला है। और इसके साथ ही जो योजनाएं प्रधानमंत्री जब इस मंच से योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे तो उसके बगल में जो शिलापट है शिलापट भी यहां पर तैयार हो चुका है, यानी काशी में तैयारियां पूरी हैं, प्रधानमंत्री का अब इंतजार है, थोड़ी देर में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से चुस्त हो जाएंगे और इसके साथ ही अगर बात करें तो जनता भी यहाँ पर पहुँचने लगेगी। तो अगर बात करें जो योजनाओं के हिसाब से, आने वाली दीपावली के हिसाब से और काशी की जनता, चूंकि काशी के सांसद भी हैं प्रधानमंत्री, तो काशी की जनता जिस तरह से अपने सांसद का इंतजार कर रही है उस आगमन के हिसाब से ये दौरा खास है प्रधानमंत्री का। हर किसी के मन में बीते दिनों जो चुनाव जिस तरह से चुनावी हवाएं गर्म हुई, हर किसी के मन में कई बातें थी, प्रधानमंत्री हमारे सांसद हमें क्या देंगे, लोग ये कहते थे कि जल्दी ही प्रधानमंत्री इन सब के जवाब देकर उन सबको चुप करा देंगे, लेकिन अब दीपावली का पर्व आया और प्रधानमंत्री जैसा कि हर दीपावली के पहले काशी की जनता को बल्कि यूं कहें तो पूरे पूर्वांचल की जनता को सौगातें देते हैं, दीपावली गिफ्ट देते हैं, तो इस बार भी